बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अली इन्फॉर्मेशन टीवी में आपको एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो का मकसद साउथ कोरिया के वर्क परमिट के हवाले से है, जिसे E9 वीज़ा भी बोलते हैं, जो कि 4 साल 10 महीने का होता है। और HRD कोरिया ने कोरिया से रिटर्नी जो भी फ्रेंड्स हैं या जो लोग कोरिया से वापस आए हैं, E9 वीज़ा 4 साल 10 माह का पूरा करके, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो इसी महीने में इसको अवेल कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल अली इन्फॉर्मेशन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। E9 वर्क वीज़ा के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, जहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी कि ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाने के अहलियत रखते हैं। इन तमाम बातों को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप ये मेरी वीडियो कंप्लीट देखिए, और अगर समझ नहीं आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या मैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे तमाम अफराद और ऐसे तमाम पाकिस्तानी वर्कर्स जो कोरिया से कानूनी तौर पर 1 जनवरी 2010 से लेके अब तक वापस आए हैं और जिनके नाम इमिग्रेशन ऑफ कोरिया से भेजी हुई लिस्ट में शामिल हैं, वो तमाम लोग, वो तमाम दोस्त रजिस्ट्रेशन करवाने की अहलियत रखते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये 26 जुलाई से 28 जुलाई तक होगी, मतलब 2 दिन इसका दौरानिया होगा। 2 दिन में आप ओवरसीज़ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान OEC के किसी भी हेड ऑफिस जो कि पेशावर में है, इस्लामाबाद में है, और इसके अलावा लाहौर में है, और कराची क्वेटा में भी इनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो फिर इसकी डेट शीट का ऐलान किया जाएगा, जो कि 25 अगस्त 2021 को होगा। और जब आपके ये टेस्ट वगैरह होंगे, इसमें रिटर्नीज के लिए यही होता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही कंडक्ट करना होता है कोरियन लैंग्वेज का, उसके अलावा उनकी कोई कुरानदाजी नहीं होती है। कुरानदाजी सिर्फ होती है उन लोगों की जो फ्रेश हों, जो पहले कोरिया नहीं गए हों, तो उनकी कुरानदाजी होती है, ठीक है। और जो रिटर्नीज होते हैं उनका सिर्फ उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और डायरेक्टली CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, उसमें उन्होंने बैठना होता है, और अगर वो टेस्ट क्लियर कर लें तो गवर्नमेंट ऑफ कोरिया उन्हें फिर से E9 वीज़ा का इजरा कर देती है, जो कि 4 साल 10 महीने का होता है। और इसके अलावा जब डेट शीट अनाउंस हो जाएगी 25 अगस्त 2021 को, तो फिर उसमें टेस्ट की तारीखें 14 से 16 दिसंबर के दरमियान में बताई जाएंगी। जो टेस्ट देने की तारीख होगी वो 14 से 16 दिसंबर के दरमियान होगी, और टेस्ट देने के बाद डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट का भी वेट करना होगा, जो कि 29 दिसंबर 2021 को अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद जब जो लोग इस को पास कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, वो फिर से एक और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे लिस्ट में आने के लिए। अब इसकी नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या शराइत हैं। सबसे पहले तो इसमें उम्र की जो हद है वो 18 से 39 साल के दरमियान हो, और आप किसी भी क्राइम में मुलविस ना हो, यानी कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, लेकिन वो पहले नहीं चाहिए, सिर्फ आप पे कोई पाबंदी ना हो और आपको मतलब कोई सजा याफ्ता मुजरिम ना हो। उसके बाद ऐसे अफराद जो कोरिया में E9 और E10 वीज़ा पर 5 साल से ज़ायद अरसा गुजार चुके हैं, वो लोग दरख्वास्त देने के अहलियत नहीं रखते। मतलब जो लोग, वैसे तो E9 वीज़ा जो होता है 4 साल 10 माह का होता है, लेकिन अगर कोई बंदा वहाँ पे इलीगल रहते हुए 5 साल का अरसा पूरा करके वापस आता है, मतलब 4 साल 10 माह से ऊपर 2 माह और वहाँ पे ओवरस्टे रहता है, तो वो दरख्वास्त नहीं दे सकता। E10 वीज़ा पे भी वहाँ पे रह चुका है, वो भी दरख्वास्त देने की अहलियत नहीं रहती। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार जो होता है उसमें क्या है कि आपको OEC इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर में ख़ुद से जाना होगा, क्लियर डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, जिसमें आपका असल कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट होगा, जिसकी एक आपने अच्छी सी कलर फोटोकॉपी करवानी है। और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो वहाँ से ही आपको ऑफिस से ही चलान फॉर्म मिलेगा, उसको आपने HBL की ब्रांच में जमा करवाना होगा, जिसकी फ़ीस है तकरीबन $24, और उसको जमा करवाने के बाद एक रसीद वो आपको दे देंगे, वो आपने साथ अटैच करनी होगी। उसके अलावा आपको 2 अदद तस्वीर की ज़रूरत होगी, जो 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर होंगी सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ, और उसमें टोपी वगैरह या ऐनक वगैरह, ग्लासेस वगैरह आपने नहीं पहननी है, उसके बगैर ही आपने तस्वीर बनवानी है। अब टेस्ट का जो होता है शेड्यूल या टेस्ट क्या होता है, टेस्ट में आपके लिसनिंग और रीडिंग के क्वेश्चन होते हैं, 20-20 क्वेश्चन होते हैं, जिनके टोटल नंबर 200 होते हैं,
मतलब 20 क्वेश्चन लिसनिंग के और 20 रीडिंग के होंगे, टोटल बन जाएंगे 40 क्वेश्चन और इनके टोटल नंबर होंगे 200 और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 50 मिनट। और ये बात याद रखिए कि जो मेरिट लगेगा वो 100 से 200 नंबर्स के दरमियान लगेगा। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान कि मैं जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और जो लोग वापस आए हुए हैं कोरिया से वो जल्दी से अपनी तैयारी पकड़ें और टेस्ट की तैयारी करें, इम्तिहानात में बैठें और अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाएँ और जल्दी जल्दी कोरिया लेके जाएँ क्योंकि पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।